दिल्ली में सामूहिक बलात्कार और यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे बाबा आशुभाई गुरुजी ने जहां एक तरफ अपने ऊपर लगे आरोपों को एक साजिश बताकर सीबीआई जांच की मांग की है। इसमें आरोप लगाया है कि वह एक ऐसे गैंग का शिकार हुए हैं जो हाई प्रोफाइल लोगों से अवैध वसूली करता है। इसमें शिकायतकर्ता लड़की और उसके साथ के अलावा क्राइम ब्रांच के डीसीपी भी मिले हुए हैं। बाबा के वकील के अनुसार सभी सबूतों को देखकर उच्च न्यायालय ने क्राइम ब्रांच को 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। और भी बड़े राज खोले हैं जो बेहद चौंकाने वाले हैं। क्या है वे राज और क्या है वे सबूत जिसके आधार पर आशुभाई गुरु उर्फ आसिफ खान खुद को बेदाग और बेकसूर बता रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ये बाबा तो आपको याद होंगे, ये बाबा यानी आशुभाई गुरुजी उर्फ आसिफ खान, जिन पर गाजियाबाद की एक महिला ने सामूहिक बलात्कार और यौन शोषण के आरोप लगाए थे। इन आरोपों के बाद आशुभाई गुरुजी को 20 महीने जेल भी काटनी पड़ी थी, लेकिन अब आशुभाई गुरुजी ने पलटवार कर जंग का ऐलान किया है। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने ऊपर लगे आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की है। कोर्ट में ऐसे कई सबूत पेश किए हैं और आरोप लगाया है कि एक ऐसे गैंग का शिकार हुए हैं जिसका काम ही एक्सटॉर्शन करना है। शिकायतकर्ता महिला सीपीडब्ल्यूडी के 2 बड़े उच्च अधिकारियों पर भी 2019 में मंडावली पुलिस स्टेशन गैंग रेप मामला दर्ज है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। आशुभाई गुरुजी ने आरोप लगाया कि उनसे करोड़ों रुपए के एक्सटॉर्शन की मांग की गई थी। इसमें तत्कालीन क्राइम ब्रांच डीसीपी रामगोपाल नायक पर भी संगीन आरोप लगाए। आशुभाई गुरुजी के वकील ने कई खुलासे किए। आशुभाई गुरुजी ने व्हाट्सएप चैट पेश किए जिनमें आशुभाई गुरुजी का खास व्यक्ति डीसीपी राम नरेश नायक के एजेंट बात कर 7 करोड़ रुपए में मुकदमा खारिज करवाने के लिए मांग रहा है। उसी नंबर से राम नरेश शर्मा ने शिव कुमार को बताया कि उन्होंने दाती महाराज के मुकदमे में भी 13 करोड़ रुपए रिश्वत लेकर दाती महाराज को गिरफ्तारी से बचाया था। आशुभाई गुरुजी ने एक एक करके मीडिया में उन पर लगे सभी आरोपों का जवाब दिया, फिर चाहे बात आसिफ से आशुभाई बनने की हो या उन पर लगे यौन शोषण के आरोपों की हो। आशुभाई गुरुजी के आरोप बेहद संगीन हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने उसकी याचिका पर क्राइम ब्रांच को 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। अब देखना यह है कि दिल्ली पुलिस इन आरोपों पर क्या जवाब देती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है अगर ये बात है तो मेरे मोबाइल में उसके नाम के साथ उसका नंबर क्यों फीड है, उसकी बीवी का नंबर क्यों फीड है, तो मेरा जानकार था। और ये सारी इन्वेस्टिगेशन होश खास थाने में होनी चाहिए थी। 2-3 दिन में ही ये केस क्राइम ब्रांच में कैसे ट्रांसफ़र हो गया। और जब इतनी बात थी तो मैं जब थाने में रहा तो थाने में मुझे बंद करना चाहिए था। मैं एसी रूम में कैसे सोता था। बहुत सी बातें हैं जो दिखाई नहीं गई, जो बताई नहीं गई। और हमेशा जो जेल के सुपरिटेंडेंट राजेश चौहान थे वो मुझे बड़ी कोऑपरेट करते थे। वो कहते थे अगर तुम सही हो तो ज़रूर घर जाओगे, और मैं भी उनका आभारी हूँ। मैं ये कहता था सर मैं ज़रूर घर जाऊँगा अगर मैंने कोई अपराध नहीं किया है। ये सब एक साजिश के तहत कार्रवाई हुई है। मेरे जेल से बाहर आने के बाद भी वो लोग कोशिश करते रहे मुझे मिलाने की कि आप हमसे बात तो कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा। और जेल में भी 7 अप्रैल को जेल में मुझे 3 लोग मिलने आए जिन्हें मैं जानता नहीं था। उनमें से एक बंदा ये कहता है कि क्या तू मुझे जानता है। मैंने कहा नहीं, मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, महंत हूँ, 70 सेक्टर में रहता हूँ, 5 मिनट में निकाल सकता हूँ। तो बोल 10 करोड़ रुपये खर्च करेगा, 20 करोड़ रुपये खर्च करेगा, केस ही ख़त्म हो जाएगा। मैंने कहा क्या सबूत है। उसने वहाँ पर मेरी उस महिला से बात कराई जिसके लिए मेरे पे अपराध लगाया गया है। मैं बड़ा हैरान था कि उन लोगों की पहुँच जेल तक है। मैं बड़ा हैरान था कि ये सोच करके देखिए प्रशासन भी कुछ नहीं है। आज भी आप चाहें तो इसके बहुत सारे सबूत हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट। जो लोग भी स्कैंडल में शामिल हैं बचने वाले नहीं।